बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी नाज़रीन, आज हम ख़त सुलुस का 16 सबक लिख रहे हैं और जीम की तख्ती चल रही है। आज हमारा सबक है जीम रा जीम सीन। पहले हम लिख लेते हैं जीम रा। दो तीन तीगों से आता है जिम रा की कई शक्लें हैं, उनमें से चंद एक हम यहाँ लिख लेते हैं। पहले दो कत लगाएंगे, दो कत लगाने के बाद इस तरह हम लकीर लगा लेंगे। लकीर लगाने के बाद ये इस तरह हम नोक से छोड़ देंगे। नोक से छोड़ने के बाद जिम रा यहाँ से नीचे ले आएंगे। ये ऊपर से यहाँ पर पूरी कलम रख के, पूरी कलम रखने के बाद इसको यहाँ तक यूँ ले आएँ। जीम रा, इसमें हल्की सी लहर आती है। लहर आने के बाद ये हम जीम रा की दूसरी किस्म लिख रहे हैं। इसको यहाँ तक ले आए, पूरी कलम आएगी और यहाँ पर जो है ना इसको इस तरह छोड़ देंगे। इस जगह पर तो थोड़ा सा तकल्लुफ है, वो ये है कि जब पूरी कलम आ रही है तो यहाँ पर रोक देंगे। रोकने के बाद इसको यूँ तिरछा चलाएंगे और यहाँ पर पतली कलम चलेगी। पतली कलम चलेगी और जीम रा को इसमें भी वही शक्ल दे देनी है जो यहाँ पर दी है। जीम रा, एक और शक्ल है जीम रा की, ख़त सुलुस में। यहाँ पर हमने नोक से छोड़ देना है। नोक से छोड़ने के बाद रा का दूसरा हिस्सा, दूसरा मरहला शुरू होगा। ये है जीम रा, जीम सीन। ये थोड़ी सी लहर देनी है। इसको गहराई देने के बाद लाइन के ऊपर छोड़ देंगे। और इसका सिरा बनाने का तरीका ये है कि शुरू वाला हिस्सा जो है ये लहर के साथ है, ये जीम उसी तरीके से